के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी और एसएससी या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली तमाम वैकेंसीज का अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये सीरीज उनके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमको फॉलो कर लीजिए। लगातार मैं इससे संबंधित वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा तब तक जब तक कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी उपलब्ध नहीं करवा दूंगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भाग दो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानने चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कुछ और भी सामान्य जानकारियां, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट्स है। जैसे सामान्य जानकारियों को हम समझते हैं कि सबसे पहले कि राज्य की भाषा क्या है। राज्य की भाषा हिंदी, लेकिन राज्य की दूसरी भाषा, राजभाषा जो है वो है उर्दू। शासन पद्धति क्या है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की शासन पद्धति है संसदीय शासन प्रणाली। इसमें विधानसभा व विधान परिषद होती है। जिस तरीके से भारतीय संसदीय प्रणाली के अंदर लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली के तहत विधानसभा और विधान परिषद काम करती है। जैसे देश के अंदर लोकसभा है, उसी तरीके से प्रदेश के अंदर विधानसभा है। जैसे राज्यसभा है, उसी तरीके से विधान परिषद है। ओके, और जिस तरीके से एक राष्ट्रपति होता है केंद्र में, उसी तरीके से प्रदेश के अंदर एक राज्यपाल होता है। तो इस तरीके से शासन पद्धति जो यूपी की है वह संसदीय शासन पद्धति है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारह सिंगा है। राजकीय पक्षी सारस, या फिर उसको हम क्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी विकल्प में क्रॉन्च दे देता है, स्टूडेंट्स सारस पढ़ के गए हैं, या कभी कभी सारस दे देता है, स्टूडेंट्स क्रॉन्च पढ़ कर गए हैं। तो ऐसे केसेस में कंफ्यूजन आती है, तो ये कंफ्यूजन आप दूर करिए कि राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस या क्रॉन्च दोनों एक ही है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है, और राजकीय पुष्प जो है वो पलाश का पुष्प है। पलाश जिसको कि हम आम भाषा में ढाक कहते हैं, ठीक है ना? तो वो जो देसी भाषा में या फिर गांव की लैंग्वेजेस में ढाक के पत्ते होते हैं, तो आपने कहावत भी सुनी होगी ढाक के तीन पात, तो वो ढाक जो था पलाश, तो पलाश होता है इसका राजकीय पुष्प। और राजकीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है वो है कथक, और राजकीय खेल जो है उत्तर प्रदेश का वो हॉकी है। जिस तरीके से भारत का जो नेशनल खेल हॉकी है, उसी तरीके से स्टेट का भी ये खेल हॉकी है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह की अगर बात करें तो राज चिन्ह आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं राज चिन्ह को। और राज चिन्ह में जो यहाँ पर इसका अंगीकार है, इसका जो स्वीकार किया गया, ये किया गया अगस्त 1938 के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर राज की जो चिन्ह है उसको स्वीकार किया गया 1938 में। और ये पूरा जो सीन आपको दिख रहा है, इसके अंदर निरूपण तीन चीजों का है, एक धनुष, दो मछलियां और ये दो रेखाएं। सबके अपने अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से उनको देखिए। दो मछलियां जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं अवध के अंदर मुस्लिम शासक का प्रतीक, मुस्लिम शासन का प्रतीक है ये दो मछलियां। तीर धनुष जो है ये हिंदू शासक श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर प्रतीक है। और जो ये दो तीन तरंग लाइनें जो है यहाँ पर, ये गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइनें, जो तीन तरंग लाइनें दी गई हैं, ये लाइनें प्रतीक है गंगा यमुना के बहाव का, ठीक है? तो ये आपका जो यूपी के अंदर बनाया गया यूपी का राज चिन्ह है, ये काफी कुछ ये रिप्रेजेंटेशन देता है। प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के न्यायालय, तो इसका उच्च न्यायालय है इलाहाबाद के अंदर और इसका खंडपीठ है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में जो संभागों की संख्या है, संभागों की संख्या मतलब कि जिसको हम मंडल कहते हैं, तो मंडलों की संख्या टोटल है 18। और मंडल के अंदर अलग अलग ढेर सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा कि कौन से संभाग में, कौन से मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जिलों की संख्या टोटल है 75, तहसीलों की संख्या टोटल 320, 313 पहले थे लेकिन 2013 में 7 नए तहसीलों का सृजन किया गया। इस तरीके से 313 प्लस 7 इक्वल टू 320, ये टोटल 320 तहसील है उत्तर प्रदेश के अंदर। नगर निगमों की संख्या उत्तर प्रदेश में 16 है, नगर परिषद 198 है और जिला पंचायत टोटल 72 है उत्तर प्रदेश के अंदर। और नगर समूह की संख्या है 915,
नगर और नगर समूह की संख्या है 915 और नगर पंचायत हैं कुल 438। न्याय पंचायतों की संख्या 8135 है और सामुदायिक विकास खंड 8220 है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बात करें तो ये टोटल 52,000 ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत है। विधानमंडल और क्या है, ये द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद दो सदन होते हैं। जिस तरीके से लोकसभा उसी तरीके से विधानसभा, जिस तरीके से राज्यसभा उसी तरीके से विधान परिषद होता है। तो विधानमंडल ये टोटल मिलकर बनता है द्विसदन से, विधानसभा और विधान परिषद से। ओके, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या टोटल 404 है यूपी के अंदर और विधान परिषद सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। और लोकसभा सदस्य चुन कर जाते हैं संसद के अंदर, 80 लोकसभा सदस्य जाते हैं और टोटल 31 राज्यसभा सदस्य जाते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य 80 ये सबसे अधिक है पूरे देश भर में। सबसे अधिक लोकसभा सदस्य जाते हैं उत्तर प्रदेश से ही और सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य भी, क्योंकि जनसंख्या दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। और आपको पता होगा कि सदस्यों का जो यहाँ पर निर्धारण